हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सभी आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट से पहले कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट से रिलेटेड मटेरियल्स फॉर कंक्रीट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया है। अभी फ्रेश कंक्रीट से रिलेटेड आगे के पॉइंट को हम पढ़ेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि फ्रेश कंक्रीट क्या हो रहा है। ठीक है, नेम से आपको पता चल रहा है कि फ्रेश कंक्रीट क्या है। आगे और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे बात मैं कर रहा था कि द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ अ गिवेन मिक्स प्रोपोर्शन इज वेरी सीरियस अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ इट्स कॉम्पैक्शन। कहने का मतलब है कि जो फ्रेश कंक्रीट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो स्ट्रेंथ का किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंडेंसी होती है उसकी कंपैक्शन। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कंक्रीट किया जाता है, वो कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करके बता देंगे कि प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा देंगे। बात यहाँ पे हो रही है कि स्ट्रेंथ जो मिलने वाला है फ्रेश कंक्रीट का, ठीक है, फ्रेश कंक्रीट जब हार्डेंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसकी स्ट्रेंथ जो मिलने वाली थी वो फ्रेश कंक्रीट में कंपैक्शन के ऊपर डिपेंड था कि उसकी डिग्री ऑफ कंपैक्शन कितना रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश कॉन्क्रीट के टाइम पे। दूसरा है, इट इज वाइटल डैट द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, इसका मतलब है आसानी से जहाँ मिक्स किए हैं और जहाँ पे प्लेस करना है आसानी से हो सके। ऑफ द मिक्स बी सच डैट द कॉन्क्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड प्लेस्ड एंड फिनिश्ड सफिशियंटली ईजिली एंड विदाउट सेग्रीगेशन। जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जैसे सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम किन किन रीजनों की वजह से, किस रीजन की वजह से ये आ रहा है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ और, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वर्केबिलिटी। फ्रेश कॉन्क्रीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के ऊपर अगर अच्छे से वर्क कर लिए तो आपका कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है। अब ये वर्केबिलिटी क्या होता है, तो वर्केबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आसानी से मिक्स हो जाए, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, आसानी से प्लेस होके कंपैक्ट हो जाए और फिनिश हो जाए, जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो फुलफिल भी हो जाए और आसानी से ये सारे वर्क हो जाए, उसी को बोला जाता है वर्केबिलिटी। जैसे कि डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द ईज विथ विच कॉन्क्रीट मिक्स कैन बी कंपैक्टेड एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल वाइल यूजिंग द लोवेस्ट वाटर सीमेंट रेशियो। हमें वाटर सीमेंट रेशियो को लोवेस्ट रख के भी ये सारे वर्क जो हैं आसानी से मिक्स हो जाए, प्रॉपर तरीके से होमोजेनियस मिक्स हो जाए और मिक्सिंग से लेके कंपैक्टेड फिनिशिंग तक आसानी से वो पॉसिबल हो सके, उसी को बोला जाता है वर्केबिलिटी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, शुड बी ऑप्टेंड बाय द यूज ऑफ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। ये तभी ऑप्टेंड हो पाता है जब हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होगा कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट उसको बोला जाता है जिसमें सभी डिफरेंट डिफरेंट साइज के उसमें मिक्स हों। ठीक है, उसको वेल ग्रेडेड बोला जाता है। सेम साइज का अगर एग्रीगेट होता है, सबकी साइज अगर सेम है, तो उसको पुअर ग्रेडेड बोला जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट साइज अवेलेबल है उसमें तो उसको वेल ग्रेडेड बोला जाता है। आगे पॉइंट बोला है कि विच हैज लार्जेस्ट मैक्सिमम पार्टिकल साइज पॉसिबल, जिसमें जो मैक्सिमम साइज के पार्टिकल है उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है द यूज ऑफ स्मूथ एंड राउंडेड। अगर मान लीजिए कि स्मूथ और राउंडेड टाइप के एग्रीगेट को अगर यूज कर रहे हो, रेदर देन इरेगुलरिटी शेप, इरेगुलर शेप वाले के अलावा आप राउंडेड और स्मूथ शेप को यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आप देखोगे तो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बट स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम वेल ग्रेडेड को यूज करते हैं जिसमें सभी टाइप के, सभी साइज के एग्रीगेट अवेलेबल रहें।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है कि एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सर इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्सेस बट कॉजेज अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अप टू अबाउट 15%। जो पॉइंट मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए कि एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सर वर्केबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए मिक्स करते हैं तो, लेकिन इसमें लॉसेस भी हैं। क्या लॉसेस है? स्ट्रेंथ का अप टू अबाउट 15%। 15% स्ट्रेंथ का लॉस होने का भी प्रॉब्लम है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो तो रखना है। अभी एयर इन ट्रेनिंग अगर एडमिक्सर यूज कर रहा है या अदर कोई एडमिक्सर यूज कर रहे हो जो वर्केबिलिटी तो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। ऐसे एडमिक्सर को ही यूज करें कि जो उसकी वर्केबिलिटी भी ठीक ठाक रखे और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करें। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, अब बात आ जा रही थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, वर्केबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है। जैसे कि पहला है वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स, वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स, जिसमें एडिंग वाटर इंक्रीजेज वर्केबिलिटी एंड डिक्रीजेज स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो उसकी वर्केबिलिटी तो ठीक होगी, और ईजिली कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होगी, आसानी से वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बट जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर अगर यूज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि लेस सरफेस एरिया टू बी वेटेड एंड मोर वाटर इन मीडियम। पॉइंट यहाँ पर अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का यूज देखते हैं कि किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो इसमें लेस सरफेस एरिया होता है। जितने ज़्यादा साइज का यूज करेंगे उसे सरफेस एरिया क्या होता है, वेटेड सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से वाटर, मोर वाटर इन मीडियम, ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा वाटर के लिए अपने ऊपर देखे लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की बात की है तो पुअर ग्रेडिंग रिड्यूसेस द कंसिस्टेंसी। अगर पुअर ग्रेडेड होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी जो होगा उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसके शेप और टेक्सचर, शेप का मतलब है किस शेप में है, राउंडेड शेप में है, एंगुलर शेप में है, इरेगुलर शेप में है, तो ये शेप आ रहा है। टेक्सचर मतलब वो स्मूथ है या रफ है। तो अगर स्मूथ सरफेस होगा तो वर्केबिलिटी बेटर देगा, स्मूथ सरफेस होगा तो वर्केबिलिटी बेटर देगा, बट जो उसके इंटरलॉकिंग बॉन्ड है वो थोड़ा वीक रहेंगे। लेकिन अगर इरेगुलर है चाहे एंगुलर अगर यूज करते हैं तो उसके इंटरलॉकिंग बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।